मेरे हाथ आज एक बढ़िया जबरदस्त गैजेट लगा है, खास तौर पे उन लोगों के लिए, उन यंग बॉयज के लिए जो लोग जिम जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या इसके हाथ लग गया। दरअसल ये एक जूसर है, और जूसर ऐसा जिसे आप आराम से अपने कैरी बैग में रख सकते हैं। लेडीज हो, जेंट्स हो, जिम करने वाला कोई भी बंदा हो, आराम से उसको अपने बैग में रखो। जहां मन करे जूस पीने का, उसका बटन दबाया, जूस तैयार। तो चलिए अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं उस जबरदस्त गैजेट का, और देखते हैं कि क्या वो खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसका प्राइस है, सारी चीजें की बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं जूसर का रिव्यू करूं, अनबॉक्सिंग करूं, एक काम जल्दी से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। सर्दी हो या गर्मी, जूस है जरूरी। ये तो बढ़िया सी एक लाइन बन गई। नहीं, वाकई में सर्दी हो या गर्मी, लेकिन ये जूसर घर में जरूर होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, रिव्यू करते हैं इसका। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं इसमें मिलता क्या क्या है हमें। ये बॉक्स है, इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये है पोर्टेबल एंड रिचार्जेबल बैटरी जूस ब्लेंडर। यहाँ पे ये इसका पावर बटन है, आप इसको दो बार प्रेस करेंगे, 1 2। बॉक्स में हमें मिलती है एक इसकी यूएसबी केबल, इसको चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये चार्जेबल है तो इसको चलाने के लिए लंबी किसी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसको चार्ज कीजिए और जब मन करे इसको यहाँ से इसका ये बटन प्रेस करके इसको यूज़ कर सकते हैं, जूस निकाल सकते हैं। इस बटन की एक ख़ास बात यह है कि अगर मान लो कोई बच्चा इसको गलती से प्रेस कर देता है तो ये एकदम से स्टार्ट नहीं होती। यहाँ पर लिखा है डबल क्लिक टू स्टार्ट, मैं दिखाता हूँ आपको, शायद नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डबल क्लिक टू स्टार्ट, यानी कि आपको इसको ऑन करने के लिए दो बार प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए, ये ऑन हो गई है, ये ब्लू लाइट इसमें जल चुकी है और यहाँ अंदर इसकी ब्लेड घूम रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए अंदर ये इसकी ब्लेड घूम रही है। अब इसको बंद करता हूँ मैं तो आप देखना ब्लेड रुक जाएगी। ये देखिए ब्लेड रुक गई है, और फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ, 1 एंड 2। ये दो बार प्रेस करने पे ऑन होती है, यानी कि ये अच्छा बेनिफिट है इस बटन का। कोई बच्चा अगर गलती से इसको दबा देता है तो ये एकदम से स्टार्ट नहीं होती। उसके बाद यहाँ पर ये इसका चार्जिंग का पोर्ट दिया है, आप इस यूएसबी की केबल की वजह से इसको चार्ज कर सकते हैं यहाँ से लगाकर। नीचे की जो ग्रिप है, ये ग्रिप मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। आप इसको किचन में अगर रखते हैं या टेबल पे रखते हैं, क्योंकि किचन में ज़्यादातर जो है मार्बल लगा होता है, तो उस पर ये स्लिप नहीं होगी, इसकी ग्रिप अच्छे से इसको जो है होल्ड कर लेगी। तो एक ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस गैजेट की। उसके बाद इसमें एक ये प्लास्टिक का हैंडल टाइप में दिया है, आप इसको अपने फिंगर में आराम से, अगर पैदल जा रहे हैं तो फिंगर में इस तरीके से आराम से लगाकर आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं।
एक और बेनिफिट आपको इस जूसर का दिखाता हूँ। इसके अंदर ये जाली दी गई है। इस जाली का बेनिफिट ये है कि आप जब इसको ओपन करके इसमें फ्रूट के पीसेस डालेंगे, अगर कोई ऐसा फ्रूट है जिसमें बीज है, सीड है, तो जूस जब आप ग्लास में डालेंगे तो वो सारा पल्प और बीज वो सब यहीं पर रुक जाएंगे, आपके ग्लास में नहीं गिरेंगे। तो ये भी इसका एक अच्छा बेनिफिट है इस जाली का होने का। अब आप लोग भी सोचोगे कि ये जूसर का रिव्यू सर्दियों में क्यों कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जूसर का रिव्यू सर्दी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। किसी भी मौसम में आप रिव्यू करो जूसर का। वैसे अगर बात करें तो गर्मियों में जो है लोग जूस वगैरह ज़्यादा पीते हैं, तो कोई नहीं, गर्मी चलेगी। लेकिन ये गैजेट जो है मेरे हाथ में अब पड़ा है, इस पर मेरी नज़र अब कुछ दिन पहले पड़ी है, तो मैंने इसको 2 दिन इस्तेमाल करके देखा और दबादब मैंने जूस पिया इसमें बना के, टमाटर का, एप्पल का, जो मर्जी मन करा मैंने खूब पिया। तो ओवरऑल क्वालिटी आपने इसकी देख ली, क्वालिटी इसकी, मैं इसको ओपन कर लूँ जरा दोबारा से। इसकी क्वालिटी की अगर बात करूँ तो क्वालिटी वाकई जेन्युइनली जो है इसकी क्वालिटी बढ़िया है। सॉलिड मटेरियल से बना है ये, और इसका जो ये प्लास्टिक वाला एरिया है, जो इसका ग्लास वाला एरिया है, ये भी काफ़ी मजबूत है। मुझे अगर ये गिर भी गया ना, मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी टूटेगा। और एक चीज़ और जो इसमें अंदर जाली दी गई है, वो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे कंपनी ने, जो इसकी जाली दी है। आप इसमें यहाँ पे फ्रूट के पीसेस डाल के और इसको बंद कर दीजिए। कोई ऐसा फ्रूट है जिसमें बीज वगैरह होते हैं, तो वो जब आप इसको डालोगे तो वो जाली के अंदर ही रह जाएंगे। तो ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी है। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए, अंडर बजट है, इतना महंगा भी नहीं है। तो अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ आपको, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने इस जूसर में कौन कौन से जूस बनाए, और कौन कौन से जूस बनाए, कौन कौन से जूस नहीं बन सके। तो मुझे तो लगता नहीं कि इसमें ऐसा कोई जूस होगा किसी फ्रूट का या जो नहीं बन पाएगा। इसमें दबा के हर तरीके का जूस बना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले गैजेट के साथ, अगली वीडियो के साथ।